एक समय की बात है, एक राज्य में मंगरू नाम का व्यक्ति रहता था। मंगरू बहुत बड़ा साहूकार था। वो पैसों से जितना धनी था, मन से उतना ही मैला। वो जो भी पैसे उधार देता, उस पे बहुत अधिक ब्याज लेता और गरीबों का धन या जमीन उनसे हड़प लिया करता था। आज उसके यहाँ हिमांशु कुछ पैसे उधार मांगने आया था। साहूकार भैया, कुछ पैसे उधार चाहिए थे। वो बहन की शादी होने वाली है ना? ब्याज 50% लगेगा और अपना घर और अपनी जमीन यहाँ गिरवी रख दो। 50%? इतना ब्याज मैं आपको कहाँ से दूंगा? ये तो बहुत ज्यादा है। आप ब्याज थोड़ा कम कर दीजिए। नहीं, पैसे लेने हैं तो ब्याज दो और जमीन गिरवी रखो, वरना जाओ, मेरे पास इतना समय नहीं है। हिमांशु निराश होकर वहाँ से लौट आया और सीधे मंत्री विभूषण के घर गया। मंत्री विभूषण बहुत ही उदार व्यक्ति थे। हिमांशु मंत्री जी से मदद मांगने उनके भवन आया था। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम। बहुत चिंतित दिखाई देते हैं, कहिए क्या बात है? मंत्री जी, बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी है। अगले महीने बहन की शादी होने वाली है, पर मैं अब तक शादी के लिए पैसे नहीं जुटा पाया हूँ। साहूकार जी के पास गया तो उन्होंने 50% का ब्याज लगा दिया और जमीन और घर भी गिरवी रखने के लिए कहा। 50%? ये तो सरासर लूटना हुआ। तुम चिंता ना करो, मैं महाराज से कहकर कल सुबह तुम्हारे घर पैसे पहुंचा दूंगा, जो तुम्हें लौटाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाओ और निश्चिंत होकर तैयारियां करो। हिमांशु वहां से खुश होकर चला गया। विभूषण एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और उसे मंगरू जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। विभूषण के मन में एक बहुत ही बढ़िया योजना आई और वो मुस्कुराने लगे। विभूषण सीधे मंगरू के घर चले गए। आइए मंत्री जी, कहिए किस काम से आना हुआ? वो साहूकार जी, दो बर्तन चाहिए थे। दरअसल मेरे घर में आज भोज का कार्यक्रम है तो कुछ बर्तन कम पड़ गए हैं। ठीक है, 5 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। मैं बिना किराए के कोई सामान नहीं देता और अगर ये बर्तन 2 दिन में ना लौटाए तो किराया 2 गुना हो जाएगा और हर दूसरे दिन बढ़ता जाएगा। जैसा आप कहें। विभूषण मंगरू का लालच देखकर चकित रह गए, पर उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा, बर्तनों का किराया चुकाया और वो वहाँ से निकल गए। 2 दिन बीत गए और विभूषण जी उन बर्तन को वापस करने आए तो साथ में उन जैसे दिखने वाले 2 छोटे बर्तन और ले आए। आपने जो 2 बड़े बर्तन दिए हैं, उन बर्तनों ने कल रात 2 बच्चे दिए हैं, ये भी आप रख लीजिए। बर्तनों ने बच्चे दिए हैं? जी, वो भी 2, ये देखिए। मंगरू पहले तो हैरान रह गया, पर फिर उसने मुस्कुराकर 2 बर्तन रख लिए। ठीक है, आपका धन्यवाद। जी, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर विभूषण वहाँ से चला गया। बड़ा ही मूर्ख है ये तो, जो इस तरह अपने छोटे बर्तन भी दे रहा है। भला बर्तनों के भी बच्चे होते हैं क्या? मंगरू ने सोचा कि उसने मंत्री को बिना ठगे ही ठग लिया और वो बहुत खुश हो गया। कुछ समय बीता और ये बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने इसका भेद जानने के लिए अपने मंत्री को अपने कक्ष में बुलवाया। विभूषण, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? इन बर्तनों के किस्से का क्या माजरा है? मैं तो तुम्हें बड़ा चतुर समझता था। नहीं महाराज, ये तो बस पहला दांव है, दूसरा दांव तो अभी बाकी है। अच्छा, मुझे भी बताओ कि क्या है दूसरा दांव? वो तो आप खुद देखिएगा महाराज, सुनने से ज्यादा आनंद सीधा देखने में आएगा। ठीक है, इंतजार रहेगा तब तुम्हारे दांव का। पर आखिर इस साहूकार ने किया क्या है? जब मैं कुछ दिन पहले आपसे एक लड़की के विवाह के लिए पैसे लेने आया था, उस दिन मुझे आभास हुआ कि ये साहूकार लोगों को ज्यादा ब्याज पर पैसे देकर उन्हें लूट रहा है। अच्छा, तो ये माजरा है। जी महाराज, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ, दूसरे दांव का समय हो गया है। ठीक है, जाओ, जल्दी ही भेंट होगी। जी महाराज।
ये कहकर विभूषण वहाँ से सीधे मंगरू के घर दोबारा बर्तन मांगने चला गया। प्रणाम साहूकार जी, इस बार मैं कुछ बड़े बर्तन लेने आया हूँ। इस बार मैंने बड़ा भोज रखा है, उसके लिए काफी तैयारी करनी है। अरे वाह, आपको बर्तन चाहिए? मुझे तो आपको सामान देकर बड़ी खुशी होगी। भला आजकल आप जैसे ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं? आप तो मेरे बर्तनों के बच्चे भी दे गए थे, वरना लोग तो नाम भी ना लेते और उसे अपने पास रख लेते। जी कोई बात नहीं, ईमानदारी में ही तो आनंद है। बिल्कुल सही कहा आपने। मंत्री जी, आप इन बर्तनों को ले जाएं, क्योंकि वो बच्चे देने वाले हैं। मुझे पक्का यकीन है कि जब 2 दिन बाद आप इन्हें लौटाने आएंगे तो इनके बच्चे भी इनके साथ होंगे। क्या सच? बड़े ही आनंद की बात है। मैं जरूर 2 दिन बाद इन्हें आपको लौटा दूंगा और इनका खास ख्याल रखूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जैसे ही विभूषण बैलगाड़ी में बर्तन रखने लगा, मंगरू ने आवाज लगाई। अरे मंत्री जी, इसकी 20 स्वर्ण मुद्राएं हुई, वो तो दे दीजिए। क्षमा करिए साहूकार जी, मेरे ध्यान से निकल गया, ये लीजिए। विभूषण ने 10 स्वर्ण मुद्राएं दी और दोनों बड़े बर्तन लेकर वहां से चला गया। मंगरू ने खुद से कहा, बड़ा ही मूर्ख है, मान ली बात जैसे बर्तन सच में बच्चे देते हो। मुझे क्या, मुझे तो बस मेरे पैसे और नए बर्तन मिल जाए। मंगरू ने बहुत तेज ठहाका लगाया, पर उसे नहीं पता था कि वो अपने ही लालच के बिछाए जाल में फंसने वाला है। 2 दिन बीत गए और मंगरू अपने घर पर बैठकर उनका इंतजार करने लगा। ये मंत्री अब तक आया क्यों नहीं? आज आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं आया तो भी क्या, दंड के पैसे तो मुझे मिलने ही है। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया, पर विभूषण बर्तन वापस करने नहीं आया। अब मंगरू से रहा नहीं गया और वो विभूषण के घर चला गया। ओ, आप आ गए। मंत्री जी, आपने अभी तक मेरे बर्तन वापस नहीं किए, कहाँ है मेरे बर्तन और उनके बच्चे? जी, उसी विषय में आपसे बात करनी थी। मेरे पास एक बहुत ही दुखद खबर है। मतलब कैसी दुखद खबर? आपके सारे बर्तन कल बच्चे देते समय खत्म हो गए, अब मैं उन्हें आपको वापस नहीं कर सकता। विभूषण ने बड़े ही दुख में कहा, पर मंगरू के गुस्से का पारा बहुत बढ़ गया था। ये क्या बकवास है, बर्तन भी कभी बच्चे पैदा करते हैं? ऐसा कभी सुना है? जी बिल्कुल सुना है और देखा भी है। कहाँ सुना है? आप ही के मुंह से तो सुना है। आप भूल गए कैसे उस दिन आपने मुझसे बर्तन के 2 बच्चे लिए थे, और जब मैं फिर बर्तन मांगने आया तो आपने कहा कि आपके बर्तन बच्चे देने वाले हैं, तो मैं उनका खास ख्याल रखूं। चुप करो, मुझसे बकवास मत करो और मेरे बर्तन लौटाओ। कैसी बातें करते हैं, जब वो मर गए तो मैं आपको कैसे लौटाऊं? चलो मेरे साथ, इसका फैसला महाराज करेंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मंत्री। चलिए, मैंने कम मना किया है चलने से, आज ही इसका फैसला किया जाएगा। बहस अब लड़ाई में बदल गई थी और मामला महाराज तक चला गया। दोनों को उनके कक्ष में बुलाया गया। 2 सैनिक राजा के साथ मौजूद थे और राजा अपने कक्ष में बैठे थे। महाराज अंदर से काफी खुश थे, क्योंकि उनके मंत्री ने कुछ नया खेल रचा था। कहो, तुम दोनों का क्या मामला है जो तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा? महाराज, मैंने अभी कुछ दिन पहले इन्हें बर्तन दिए थे। मंत्री जी ने कहा कि उन्हें भोज करना है, इन्होंने बर्तन लिए पर अब ये उन्हें वापस देने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा, इस पर तुम्हें क्या कहना है विभूषण? महाराज, इनसे मैंने कहा कि इनके बर्तन बच्चे देते समय मर गए, तो मैं उन्हें कैसे लौटाऊं? पर ये मेरी एक नहीं सुन रहे हैं, बस अपना ही राग अलाप रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इन्हें अपने बर्तनों से प्यार ही नहीं था। अरे भैया, कैसी बातें करते हो, बच्चे इंसानों के होते हैं, बर्तनों के थोड़ी ना होते हैं। और जब बर्तन बच्चे दे ही नहीं सकते, तो वो बच्चे देते समय मर कैसे जाएंगे?
ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी कुछ दिन पहले जब मैंने आपको दो बर्तनों के बच्चे दिए थे तो आपने उन्हें बिना सवाल किए रख लिया था, और अभी उस दिन भी कहा था कि आपके बर्तन बच्चे देने वाले हैं तो मैं उनका खास ख्याल रखूं। साहूकार, ये तो मैंने भी होते हुए सुना था। यदि तुम ये कह रहे हो कि बर्तन बच्चे नहीं देते तो वो मर कैसे सकते हैं, तो उस दिन तुमने मंत्री से वो दोनों बर्तन क्यों लिए? मैं इतना ही नहीं, मैंने ये भी सुना है कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा ब्याज पर पैसे देते हो। राज्य में ब्याज पर पैसे देने का भी एक नियम है। तुम लोगों को लूट रहे हो उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर। क्षमा करिए महाराज। क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। साहूकार को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। मंगरू अपने ही लालच के जाल में फंस गया था, और विभूषण ने मंगरू को ऐसा सबक सिखाया कि अब वो किसी को लूटने की कोशिश भी नहीं करेगा। बहुत ही उत्तम दांव था विभूषण। आपका धन्यवाद महाराज। भागलपुर गांव में रंजीत रहता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वो पूरी तरह से जमींदारों के कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से रंजीत कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से रंजीत शहर जाकर गांव वालों से छुपकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के वेश में आकर वो शहर चला जाता। भगवान के नाम पर दे दो बेटा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब भी हूँ। ठीक ठाक तो दिख रहे हो, जाकर काम क्यों नहीं कर लेते? बेटे अगर कुछ देना है तो दो, वरना रास्ता नापो। रंजीत हमेशा ऐसा ही करता। हमेशा गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की जगहों पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके गांव चला जाता। जमींदार साहब, वो देखिए वहां से रंजीत आ रहा है, उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना कल सुबह फिर से भाग जाएगा। तुमने सही कहा, अब तो ये मेरे सोने के बाद गांव आता है और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। जमींदार और मुंशी रंजीत के घर आ पहुंचते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं। मालिक, आपने मेरे सारे खेत ले लिए, अब बस ये छोटी सी कुटिया ही बची है, आप इसे भी हथियाना चाहते हैं? तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम सब ले लेंगे, इस घर को भी। ये लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और अगले महीने मैं पूरे पैसे देकर अपना खेत छुड़ा लूंगा। रंजीत के हाथ में पैसे देखकर दोनों भौचक्के रह गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर की चौखट से गुस्से से चला गया। इसके पास इतने पैसे आए कहां से? और भाव ताव से तो पता चल रहा है कि ये कोई गांव का बड़ा साहब हो। और बातें तो ऐसी कर रहा था कि ये सारी जमीनें खरीद लेगा हमसे। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रंजीत हमेशा गांव से सुबह शहर के लिए वेश बदल कर निकल जाता, और शहर जाकर फिर से भिखारी बनकर भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी मंगला को शहर में समंदर दिखाने के लिए लेकर गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि रंजीत भीख मांग रहा था। तुम मुझे 1 दोगे, भगवान तुम्हें 10,000 देगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया खेल, गांव में बड़े ठाट बाट से घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो। कृपा करें मालिक, कृपा करें, ऐसा ना करें, मैं ये बस अपना घर चलाने के लिए करता हूँ। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द से जल्द आपके पास आने ही वाला था। तुम बस गांव चलो और वहाँ चलकर देखना, तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जमींदार और मुंशी ने मिलकर पूरे गांव वालों को ये बात बता दी। रंजीत जहाँ कहीं भी जाता, लोग उसे भिखारी कहकर शर्मिंदा करते। अरे वो देखो, गांव के सबसे बड़े भिखारी गांव में आ रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है हमें।
पूरे गांव से रंजीत अपने भिखारी होने के ताने सुन सुन कर थक हार कर परेशान होकर भागलपुर गांव छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरी जमीन ले ली, मेरा घर ले लिया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। भगवान ने अनाथ भेजा था, आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जीवन में रोने से अच्छा है कि मैं ये जीवन ही त्याग दूँ। रंजीत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा ही था। वहाँ पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे और उनकी आँख खुल गई। उन्होंने देखा कि रंजीत उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊँ, मेरी जिंदगी यहाँ पहाड़ से इस खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार है। रंजीत अपनी सारी बातें उस तपस्वी साधु को बताता है। मेरी तपस्या भंग करने का मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी बहुत जटिल है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन उपाय है। तपस्वी साधु ने अपने कमंडल से पानी का जल निकालकर रंजीत के ऊपर छिड़क दिया। रंजीत ने जैसे ही आंखें बंद की, रंजीत के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और रंजीत अपने भिखारी के वेश में आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं और मैं इस भेष में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम जब भी इस भेष में कुछ भी भिक्षा लोगे, वो भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस भेष में रहने पर ही। और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये सोने के सिक्के तुम्हें भिक्षा में दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं, मैं इसे तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं? ये मेरे साथ भगवान ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने का सिक्का दिया, रंजीत के भिखारी के वेश में होने के कारण वो सिक्का 4 गुना ज्यादा हो गया। रंजीत की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान हो गई। रंजीत ने उन सिक्कों को शहर जाकर एक जौहरी की दुकान पर बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाली जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। ठेकेदार साहब, मेरा ये घर बहुत बड़ा बनवाना, मुझे मेरे भागलपुर गांव वासियों को इस जमीन पर दावत देनी है। जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह का कैसे हो गया? समय का खेल है बस, तुम सिर्फ अच्छे से बड़ा सा घर बनवा दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनाकर रंजीत भागलपुर गांव वालों से अपने बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। रंजीत को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु के कृपा से वो 4 गुना ज्यादा हो जाता। देखते ही देखते रंजीत भिखारी से अमीर बन गया, लेकिन रंजीत का सारा व्यवहार भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसने जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया। उसने अपना नाम छुपाकर सारे गांव वालों को न्योता दिया। सुनो सुनो सुनो, भागलपुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहाँ के मालिक ने पूरे भागलपुर वासियों को दावत पर बुलाया है। सुनो सुनो सुनो। जमींदार साहब, मैंने अंदर जाकर उस महल को देखा, वो बहुत बड़ा महल है, हमें चलना चाहिए, वहाँ जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बहुत खुश हो जाते हैं और दावत पर चले जाते हैं। उस दावत में रंजीत अपने भिखारी के वेश में ही होता है। उसे वहां देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहां भी आ गए, घर बसा नहीं कि भिखारी पहले ही आना शुरू। आने दो मालिक, आने दो, अच्छी भीख मिल जाएगी ना यहां पर। जमींदार और मुंशी की बात सुनकर वहां पर ठेकेदार आ जाता है और वो कहने लगता है, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, ये बड़ा सा महल उनका ही है, ये क्या बकवास है। ठेकेदार, तुम होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूँ,
ये महल मैंने ही बनाया है और ये रंजीत जी का ही महल है। लेकिन ऐसे कैसे? ये तो शहर में भीख मांगा करता था और आज इतने बड़े महल का मालिक रंजीत कैसे हो गया? तब वहाँ रंजीत कहता है, मैं तो बस अपने हालातों की वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ ना होकर भी अब सब कुछ है। रंजीत की बात सुनकर दोनों बहुत उदास हुए और सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए और रंजीत से माफी मांगने लगे। लेकिन उसके बाद भी रंजीत शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था।